हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हॉर्नबिल का नेक्स्ट चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो कि लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि जुलाई 1976 को ऑथर, उनकी पत्नी मैरी और उनका 6 साल का बेटा जोनेथन और उनकी 7 साल की लड़की जिसका नाम था सुजैन, वो सारे मिलके अराउंड द वर्ल्ड पानी में अपने शिप को लेके, अपने जहाज को लेके एक चक्कर लगाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल एक तरीके से डुप्लीकेट राउंड होगा जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने लगाया था पूरे अर्थ के अराउंड। इसी सपने को पूरा करने के लिए एक अपनी शिप भी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं वो वेव वॉकर। वेव वॉकर एक बहुत बड़ी शिप है जो कम से कम 23 मीटर की लंबाई है और 30 टन का वजन है उसका, और वो पूरी लकड़ी से बनी हुई है। ऑथर आगे स्टोरी में बताते हैं कि उनने जो 3 साल की इतनी लंबी जर्नी प्लान करी है उसमें से उनका कुछ हद तक प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उनके उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक वो काफी सेटिस्फाइड है और काफी फन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि वो केप टाउन पे जब पहुंचते हैं तो वहां पर से 2 सेलर्स को हायर करते हैं, अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा स्विस हर्ब सिगलर। इन दोनों को वो हायर करते हैं ताकि जो आगे आने वाली है जो ओशियन है को वो टैकल कर सके, मतलब उसमें जो अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसमें ये हेल्प कर सके उस प्रॉब्लम को टैकल करने में, क्योंकि वो माना जाता है कि सबसे डेंजरस या फिर रफेस्ट सी है पूरे वर्ल्ड में जो कि है द इंडियन ओशन। और फिर वो वहां से उन दो सेलर को हायर करके वहां से वो चल देते हैं। और केप टाउन को छोड़ने के 2 दिन बाद ही वो कुछ बहुत ही खतरनाक बड़ी बड़ी वेव्स यानी समुद्र की लहरों से टकराने लगते हैं जो कि उन्हें कुछ हद तक डरा देती है। और वेदर जो है, जो हालात है वहां के, वो बिगड़ते ही रहते हैं। वो अपना क्रिसमस भी उसी शिप पे बनाते हैं और क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक हालात कुछ भी सुधरते हुए नहीं दिख रहे थे। और 2 जनवरी की सुबह सुबह तो उनकी हालत और भी खराब हुई क्योंकि वेव जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी जो कि शिप को हिट कर रही थी, जो शिप को नुकसान पहुंचा सकती थी, जहाज को नुकसान पहुंचा सकती थी, वो टूट सकता था। शाम के 6 बजे के करीब एक बहुत बड़ी वेव ऑथर की तरफ आई जो कि इतनी बड़ी थी कि एक सेकेंड के लिए तो ऑथर ने सोचा कि वो क्लाउड है, कि मतलब समझ सकते हो अब इतनी ऊंची थी कि उन्होंने सोचा कि ये तो बादल है, ये वेव थोड़ी ना है। फिर जब उन्हें वो पास आई तब उन्हें पता लगा कि ये तो बहुत बड़ी वेव है जो पक्का शिप को नुकसान पहुंचा सकती है। जो वो बहुत बड़ी लहर थी पानी की वो आई और जो जहाज को हिट करती है, और जो नरेटर होते हैं वो उस व्हील को संभाले होते हैं, व्हील को जिससे शिप कंट्रोल होता है उस हैंडल को संभाले होते हैं, तब उनको भी हिट करती है और वो पानी में गिर जाते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वापस आने की कोशिश कर रहे होते हैं कि दोबारा एक दूसरी वेव आती है जो उनको शिप पे दोबारा फेंक देती है और जो उनकी रिब की हड्डियां हैं वो टूट जाती है, उनका पूरा मुंह जो है खून से भर जाता है, उनके दांत टूट जाते हैं। पर वो जैसे तैसे करके दोबारा व्हील पे कंट्रोल कर लेते हैं और वो महसूस कर पा रहे थे कि शिप के नीचे पानी है, उसमें पानी भर चुका है, पर वो उस व्हील को भी नहीं छोड़ के जा सकते थे। और फिर तभी मैरी ऊपर आके उसको बताती है कि नीचे वहां पर पानी भरा हुआ है। तब नरेटर मैरी यानी अपनी वाइफ को व्हील पकड़ने को बोलते हैं और वो नीचे जाके देखते हैं, तो वो देखते हैं कि जो लैरी और हर्ब हैं वो दोनों ही पानी को पंप करने में लगे हुए हैं। वो ये देख के फिर अपने बच्चों के रूम में जाते हैं कि वो ठीक हैं कि नहीं है, उनको कोई चोट होने लगी, वो जाके देखते हैं तो सुजैन उसे बताती है कि उसके जो आंखों के ऊपर है थोड़ा सा कुछ लगी हुई है और वो बहुत दर्द कर रहा है। पर वो जो नरेटर है इतना फोकस नहीं करते इस बात पे क्योंकि अभी इतनी इंटेंस सिचुएशन चल रही है, अभी इतनी हार्ड सिचुएशन चल रही है, तो इसमें अभी एक थोड़ी सी चोट का क्या ध्यान देना। और वो जाके उसको फिक्स करने के लिए चले जाते हैं। जो स्टारबोर्ड साइड होती है शिप की वो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, स्टारबोर्ड साइड यानी राइट साइड को स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं, तो वो बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। नरेटर जो है किसी तरह उसको फिक्स कर देता है, कैनवस लगा के उसको फिक्स कर देता है, और उनके फिक्स करने के बाद काफी कम पानी अंदर आ रहा था लेकिन अभी भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। और हालत तो और बिगड़ गई जब जो उनका हैंडपंप था वो ब्लॉक हो गया था समुद्र के पानी के कचरे के कारण, वो ब्लॉक हो गया था, और जो उनका इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। तब तो फिर सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी कि अब उनके पास पंप करने के लिए हैंडपंप या फिर इलेक्ट्रिक पंप भी नहीं है। तभी नरेटर को ध्यान आती है तो वो अपने कैबिन से एक नया इलेक्ट्रिक पंप लेके आते हैं जो कि भगवान की दया से काम कर जाता है। वो कंटिन्यूसली मेडे कॉल ट्राई करते रहते हैं। मेडे कॉल होती है कि रेडियो पे जो हेल्प कॉल भेजी जाती है, जैसे समुद्र के जो जहाज होते हैं वो हेल्प कॉल के लिए मेडे कॉल करते हैं ताकि उनको कोई हेल्प कॉल, पर उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ से कोई सिग्नल सेंड ही नहीं हो रहे थे। और ऐसे इस बीच ओशियन में पानी से घिरा हुए रास्ते में ऐसा अक्सर हो जा करता है। शाम को जो सुजन है उस सर जो होता है वो बहुत ज्यादा ही फूल गया होता है, मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि अब उसको देख के डर सा लगने लग गया था, मतलब तो आप समझ सकते हो कि कितनी गंभीर चोट रही होगी। और सुजन नरेटर को अपना हाथ का एक बहुत गहरा कट भी दिखाती है, मतलब बहुत गहरी चोट लगी है उसके हाथ में वो भी दिखाती है। तब फिर नरेटर उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो सुजन उसे बताती है कि मैं आपको पहले ये बात बता के परेशान नहीं करना चाहती थी, आप पहले से बहुत परेशान थे, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। 3 जनवरी की सुबह तक उनका जो पानी का स्तर था वो काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका था, अब वो 2 आवर के रोटेशन में रेस्ट कर सकते थे। फिर नरेटर कुछ चार्ज
चेक करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि आसपास कोई आइलैंड वगैरह है कि नहीं, ताकि क्योंकि शिप को तो अब लैंड करना पड़ेगा, नहीं तो जो शिप है ये तो डूब जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। इसलिए वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं और उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर सबसे पास दो स्मॉल आइलैंड है, उनमें से एक जो आइलैंड है वो है इले एमस्टरडम, जो कि एक फ्रेंच का साइंटिफिक बेस है, मतलब वहाँ का फ्रेंच की रिसर्च वगैरह का काम होता है। फिर आगे स्टोरी में 4 जनवरी को 36 आवर्स तक लगातार पंप करने के बाद जो उनका पानी का स्तर था वो काफी बस अब कुछ सेंटीमीटर तक ही रह गया था। अब उन्हें बस उस स्पीड तक पंप करते रहना था जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा था, जो कि अब कुछ ज्यादा नहीं था। और फिर 4 जनवरी को ही उस आइलैंड की तरफ, जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस था उसकी तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जो मैरी है, जो नरेटर की पत्नी है, वो बड़ी मुश्किल से सबके लिए कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत लाती है, बिस्किट वगैरह, और वो 2 दिन में पहला अपना खाना खाते हैं, 2 दिन बाद कुछ खा रहे होते हैं। और 4 जनवरी को ही लगभग शाम के 4 बजे उनकी जो सिचुएशन थी वो लगभग 2 जनवरी की जैसी ही हो चुकी थी। वेदर दोबारा चेंज हो रहा था, क्लाइमेट दोबारा चेंज हो रहा था, उनको अब तो उम्मीद ही नहीं थी, काफी डर गए थे वो, अब की जो शिप है वो ऑलरेडी डैमेज है, अब क्या होगा। 5 बजे की सुबह तक तो उनको कुछ होप ही नहीं थी, उनकी होप लगभग टूट गई थी क्योंकि उनकी हालत बड़ी बेकार थी। और जब नरेटर ये सब सोच ही रहे थे तब जोनेथन, जो कि उसका 6 साल का बेटा है, वो उसके पास आता है और उसे पूछता है कि पापा क्या हम मरने वाले हैं। तो यह सुन के जो नरेटर है वो कुछ नहीं बोल पाते, वो उनके पास बोलने को कुछ शब्द नहीं थे, वो क्या बोल पाते। और फिर तभी जोनेथन दोबारा बोलता है कि पापा मैं मरने से नहीं डरता अगर हम सब साथ हैं। और इसी पे पूरा जो है ये चैप्टर का टाइटल भी पड़ा है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि मैं मरने से डरता नहीं हूँ अगर हम सब साथ रह सके, मैं, आप, सुजैन और मम्मी, अगर हम चारों साथ हैं तो मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता। यह सुन के जो नरेटर है वो काफी बुरा भी फील करते हैं, पर अब उनमें एक आग सी जाग जाती है, वो अपना पूरा बेस्ट ट्राई करते हैं कि वो इस सिचुएशन से किसी तरह सबको निकाल सके। वो दिमाग लगाते हैं और इस बार जो वेव्स जो आ रही होती हैं बड़ी बड़ी, उनको वो जो शिप की जो पोर्ट साइड है उससे फेस करते हैं, पोर्ट साइड होती है लेफ्ट साइड से फेस करते हैं, मतलब अब इस बार जो वेव हिट करे वो लेफ्ट साइड को हिट करे, ऐसे अपने शिप को एडजस्ट कर लेते हैं। और पहला जैसे आपको बताया मैंने, स्टारबोर्ड साइड यानी जो राइट साइड थी वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी थी, तो अब जो लेफ्ट साइड थी अगर वो भी डैमेज हो जाती तो शिप का डूबना पक्का था। 5 जनवरी की शाम को, उसी 5 जनवरी की शाम को जो नरेटर है और मैरी यानी उनकी पत्नी है, दोनों अपने हाथों में हाथ डाल के बैठ गए थे कि उनको अब कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने सोचा था कि उनका एंड नियर होगा, बट भगवान की कृपा से वो 5 जनवरी को वो बच गए किसी तरह और जो शिप थी वो उसकी हालत को ज्यादा खराब नहीं हुई। फिर 6 जनवरी को नरेटर ने दोबारा कैलकुलेशन करी और वो सोच रहे थे कि अब कहां से विंड की स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे कि इस डायरेक्शन में हमें जाना होगा तब जाके हम इतने देर में पहुंचेंगे। जब ये सब सोच ही रहे थे तभी जो सुजैन है यानी उनकी जो 7 साल की लड़की है वो उनके पास आती है और वो देखते हैं कि जो उसकी माथा है वो और बहुत ज्यादा सूज चुका है, उसकी हालत मतलब इतनी गंभीर है। तब भी तो वो उनके पास आते हुए उनको एक कागज सा पकड़ाते हैं, उस कागज में लिखा होता है कि इसमें देखो कुछ मजाकिया लोग हैं, क्या इन्होंने भी तुम्हें हंसाया है। और जैसे ही वो उस कार्ड को खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें एक ड्राइंग होती है सुजैन की, जिसमें नरेटर, उसकी पत्नी जोनेथन और सुजैन की ड्राइंग होती है वो, और वो बोलती है कि आपने मेरे लिए आज तक जो भी किया उसके लिए थैंक यू, और चलो हम सब आपस में मिलकर प्रे करते हैं कि भगवान हमें बचा लेगा। यह देखने के बाद जो नरेटर का था उसको लगा कि अब तो कुछ करना ही होगा अपनी फैमिली को, और जो मेरे साथ दो लोग हैं यानी लैरी और हर्ब जो लोग हैं उनको भी किस तरह सिचुएशन निकालना पड़ेगा। और वो दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, जो शिप है उसको सही डायरेक्शन में मोड़ते हैं और जो फिर लैरी के हाथ में व्हील को पकड़ा के, जो स्टेयरिंग व्हील होता है जहाँ से शिप कंट्रोल होता है, 2 बजे करीब लैरी के हाथ में पकड़ा के बोलते हैं कि इसी डायरेक्शन में तुम चलते रहोगे तो तुम्हें 5 बजे तक एक आइलैंड दिखेगा और वहां पर रोक लेना। और ये कहने के बाद वो अपने कैबिन में जाते हैं और वहां जाके किसी तरह सो जाते हैं। वो उठे हैं तो देखते हैं कि 6 बज चुके हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपना आइलैंड मिस कर दिया, क्योंकि उनको तो लगता था कि हम 5 बजे तक उस आइलैंड में पहुंच जाएंगे, इसलिए अब उनको लगता है कि उन्होंने मिस कर दिया, तो काफी अंदर से दुख भरे होते हैं। कि तभी जोनेथन उधर आता है और वो बोलता है कि पापा क्या मैं आपसे गले लग सकता हूँ। तो फिर नरेटर पूछता है कि क्यों, मेरे से तुम गले क्यों लगना चाहते हो। तब जोनेथन बोलता है क्योंकि आप इस पूरी दुनिया के सबसे बढ़िया पापा हैं और शायद सबसे बढ़िया कैप्टन भी। तो इसका रिप्लाई देते हुए नरेटर बोलते हैं कि नहीं बेटा, शायद मैं नहीं हूं, मुझे डर लग रहा है कि मैं नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि उसने आइलैंड मिस कर दिया। कि तभी जो सुजैन है वो बोलती है कि नहीं, आप सच्ची में हो क्योंकि आपने आइलैंड फाउंड कर लिया है, उस आइलैंड को ढूंढ लिया है, हम उस आइलैंड में पहुंच चुके हैं। तो जो फिर जो नरेटर है वो चिल्लाते हैं क्या हुआ सच्ची। फिर जो नरेटर है जाके देखता है तो जो आइलैंड है, जो फ्रेंच का साइंटिफिक बेस है, वो उनके सामने होता है। वो उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता, वो सूखा सा बंजर सा आइलैंड होता है, उसमें ना कोई घास फूस इतनी ज्यादा है, ना पेड़ पौधे इतने ज्यादा हैं, वॉल्केनो वगैरह हैं। तब भी उसको देख के वो कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, क्योंकि अब उनको कितने दिनों के बाद कोई जमीन देखने को मिली है, अपनी इतनी पूरी सिचुएशन के बाद एक जमीन देखने को मिली है, तो उसको वो सबसे सुंदर
आइलैंड लगता है इस पूरे वर्ल्ड का। तो 6 जनवरी की रात नरेटर और उसकी पूरी फैमिली और उसके साथ जो दो सेलर थे वो उस आइलैंड पे रेस्ट करते हैं, और अगली सुबह उस आइलैंड के जो 28 रहने वाले लोग होते हैं वो उनका बड़ी खुशी से स्वागत करते हैं। नरेटर के जो थॉट्स हैं, नरेटर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि कितने बढ़िया से हमने इतनी मुश्किल सिचुएशन का जो है सामना किया। जो लैरी और हर्बी है उनके बारे में सोचता है कि वो कितनी मेहनत से पूरी पंपिंग कर रहे थे और उन्होंने कितना सपोर्ट किया, और वो सोचता है मैरी की, अपनी पत्नी की, जिसने पूरे समय उस स्टेयरिंग व्हील को पकड़ के रखा था इतनी क्रूशल आवर में जबकि इतनी खतरनाक सिचुएशन थी, और अपने बेटे के बारे में सोचता है जो कि मरने से नहीं डरता है जब तक हम सब साथ हैं, और वो अपनी बेटी के बारे में सोचता है जो सिर्फ 7 साल की है मगर तब भी वो अपने हाथ में चोट लगी है उसके बारे में नहीं बताती है, कि ताकि मुझे चिंता ना हो। आगे नरेटर बताते हैं कि जो सुजन का जो ब्लड कॉट है जो कि उसके माथे पर स्कल पे हुआ था, उसके बाद 6 छोटे छोटे ऑपरेशन लगे, उसके बाद जाके वो ठीक हुआ, और ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। इसके नेक्स्ट चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और पूरे हॉर्नबिल के हर चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और आगे अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट में मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।